Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. I hope कि आप सब लोग अच्छे होंगे, है ना? चलिए, so अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द से जल्द कर लीजिए. अगर आप नए हो, पुराने हो तो सब्सक्राइब तो किए ही होंगे, किए हो ना भाई? नहीं किए हो तो प्लीज कर लो यार, भले बेल आइकन ना दबाना, ओके? चलिए, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का एक सेशन लेने वाले हैं, ठीक है? तो इसमें एक्चुअली मैंने ऑलरेडी दो वीडियोस बना रखी है, ओके? एक थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस और दूसरी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस विथ एंगल्स, है ना, विथ सम स्पेसिफिक एंगल्स. इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके? सो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, होता क्या है. देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस कौन कौन से, ये तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए. एक होता है साइन टीटा, ओके? दूसरा होता है कॉस टीटा, नेक्स्ट हमारा टैन टीटा, देन कॉट टीटा, सीक टीटा एंड कोसीक टीटा, ओके? और इनके वैल्यूज क्या है रेशियोस में अगर कन्वर्ट किया जाए, ओके? वो सब क्या होते हैं मैंने ऑलरेडी बता रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, प्लीज वहां से देख लीजिए, ठीक है? तो ये पहला टॉपिक है. दूसरा टॉपिक क्या था हमारा, एंगल्स, ओके? कौन कौन से एंगल्स हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्रीज. तो इनके वैल्यूज क्या होंगे, साइन टीटा को अगर हम रिप्लेस करते हैं जीरो से तो साइन जीरो क्या होगा, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90. उसी तरह कॉस, टैन, कॉट, सीक एंड कोसीक, इन सब का मैंने एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियोस में, उसको आप देख लीजिए, ठीक है? तो ये जो अभी आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ये हमारा थर्ड पार्ट है, वो अगर आप देखें तभी इसको अच्छे से समझ पाओगे. सो प्लीज पहले वो देख लीजिए, फिर ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ओके? चलिए, सो वही मैंने यहाँ पे कंटेंट लिख के रखा है. देखिए, यहाँ भी हम वही डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ओनली ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ये थोड़े अलग एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, ओके? मतलब जीरो से लेके जीरो, 30 और क्या था वो 60, देन ओके 45 भी था एंड देन 90. तो इन पांच एंगल्स को छोड़ के अगर हम कोई भी एंगल लेंगे बिटवीन 0 to 90, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ही होता है सम ऑफ टू एंगल्स. अगर कोई दो एंगल हम ले रहे हैं, अगर उन दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है तो उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना? तो 0 से 90 के बीच में इन पांच एंगल्स को छोड़ के हम कोई भी एंगल लेंगे तब ये वाला रेशियो का वैल्यूज यूज करेंगे. ये होता क्या है मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में. उसके बाद हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये आइडेंटिटीज होती क्या है इनके बारे में भी हम जानेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे, ओके? और इस वीडियो के बाद मैं इस पे भी एक लंबा सेशन बनाने वाला हूँ, वो होगा हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेशन, ठीक है? इस चैप्टर से, ये चैप्टर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. तो इस चैप्टर के ऊपर जो भी जिस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं हमारे प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स में, उनके बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ओके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके? तो ये हमारी 6 रेशियोस होती हैं ट्रिग्नोमेट्री में, साइन, कोस, एक्चुअली कोसाइन होता है, हम बस फर्स्ट 3 लेटर्स लेते हैं, साइन, कॉस, टैन, सीक, कोसीक एंड कॉट, ओके? तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, किसका, साइन ऑफ 90 माइनस ए. तो देखिए, वो होता है हमारा कॉस ए. अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं लिखूं साइन 90 माइनस 45 डिग्री, तो इसके बदले, इसका वैल्यूज तो हमको पता नहीं है, राइट? तो अच्छा, 90 माइनस 45, 45 होता है, हम लिख सकते हैं साइन 45 कितना होता है 1/√2, राइट?
यही होता है ना साइन 45। यस, 1/√2। ये यहाँ पे 45 था तो इजिली हमने फाइंड कर लिया। बट व्हाट इफ यहाँ पे साइन 90 - 22 होता, तब क्या करेंगे? ये सब डिग्रीज हैं, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन 90 - 22 कैन बी रिटर्न एज जस्ट cos 22। ओके, cos 22 में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, तब जाके आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ साइन 90 - 45 दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज व्हाट? cos 45। ओके, cos 45 डिग्री। सो जब भी 90 डिग्री दिया हो, माइनस किया गया हो, तो समझ लीजिए वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री रूल आप अप्लाई कर लोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। तो साइन 90 - a क्या होता है? कॉस है। अगर वही दिया होता cos 90 - a, ए मीन्स यहाँ पे एंगल है कोई भी, या टीटा भी आप लिख सकते थे ऐसे। ओके, तो 90 - a क्या हो जाएगा? इट इज साइन ए। ओके, यहाँ पे जो एंगल होगा वो साइन ए में चेंज हो जाएगा, यही वाला सेकेंड वन था। देन टैन इट इज कॉट ए। टैन 90 - a कैन बी रिटर्न एज डायरेक्टली, 90 माइनस आए तो समझ लो 90 विल चेंज दिस टैन इन टू कॉट, और ए सेम ही रहेगा। सीक 90 - a विल बी कोसीक ए, कोसीक 90 - a विल बी सीक दोनों, और कॉट विल बी टैन, है ना? तो साइन कॉस एक साथ है, सीक कोसीक एक साथ, और टैन एंड कॉट एक साथ है। ओके, ये तीन तीन आप ग्रुप में लिख सकते हैं। तो चलिए इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। ओके, सो देखिए, अगर क्वेश्चन दिया हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन 65 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉट 25 डिग्री, तो देखिए हमने जब हमने पढ़ा है क्या, जीरो इस एंगल से रिलेटेड हमने कुछ टॉपिक पढ़े हैं, 0, 30, ये बार बार बोल रहा हूँ मैं, 45, 60 एंड 90। ओके, इनको बोला जाता है स्टैंडर्ड एंगल्स। ओके, चाहे सम स्पेसिफिक एंगल्स, अगर ये वैल्यूज ना दिए हों, इनको छोड़ के अगर जो भी वैल्यू दिया होगा आपको, तो समझ लेना वो कॉम्प्लीमेंट्री रूल अप्लाई करना है वहां पे। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब किसी एक को चेंज करना है। कैसे? देखिए, किसी एक रेशियो को चेंज करना है। यहाँ पे गया टैन 65, तो हम टैन 65 को सेम रखते हैं, टैन 65 ही। कॉट 25 को क्या लिख सकते हैं? कैन वी राइट दिस एज टैन 90 - 25, है ना? अभी तो हमने पढ़ा था कि कॉट 90 - 25 इज इक्वल टू व्हाट? इट इज टैन 25। चाहे टैन 90 - 25 अगर रहा, तो हम क्या लिख सकते हैं? कॉट 25। अब ये वहां पे ए था, इट मीन्स व्हाट? इट इज एनी एंगल, तो यहाँ पे एंगल 25 डिग्री है। तो देखिए, टैन ये वाला रूल अप्लाई करके हम लिख सकते हैं ना कॉट, तो यहाँ कॉट है तो इसको हम टैन में चेंज कर सकते हैं। अब इसको देखिए, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ में लिखना इसका स्टेप, टैन 65 ही रखोगे, इसको टैन ही रखो। अब देखो 90 - 25 क्या होता है? इट इज ऑल्सो 65, राइट? तो देखो ये भी 65 डिग्री, ये भी 65, टैन 65, टैन 65, 2/2 क्या होता है भाई, दोनों सेम रहा तो 1, तो ये भी दोनों कैंसिल हो के आंसर हो जाएगा 1। ओके, नॉट डिग्री, इट इज जस्ट 1, ये सब डिग्रीज हैं बट हमारा आंसर आया 1। समझ में आया आपको? ओके, सो चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, सो ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ भी देखिए, एंगल हमारा स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, राइट? स्टैंडर्ड वही है 0, 30, 45, 60, 90। ओके, ये सब डिग्रीज में है, 0 डिग्री, 30, 45 एंड 60 डिग्री। तो जब भी ये ना दिया हो, तो समझ लो कॉम्प्लीमेंट्री रूल अप्लाई करना है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये इन दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर सकते हैं, कॉस को सेम रखते हैं, चलिए आपकी मर्जी, ये चेंज करो या दोनों में, मैं करके बताऊंगा। साइन 42 को क्या लिख सकते हैं हम? कॉस 90 - 42 लिख सकते हैं, है ना? 90 डिग्री - 42 डिग्री, ये तो सेम रहेगा cos 48 डिग्री ओनली, बट ये कॉस सेम रखिए। 90 - 42 क्या होता है? 48 ही होता है। अब दोनों के दोनों सेम है, इसका मतलब क्या है? अगर मैं 1 - 1 लिखूं तो क्या होता है? वो 0। सो cos 48 - cos 48 0। सो आंसर इज 0, नॉट 0 डिग्री। अगर यही मैं cos को चेंज करता तो कैसे करता? देखिए, लेट मी यूज सम अदर कलर पेन।
ओके इसको मैं यहाँ करता हूँ, तो देखिए ये कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, अगर मुझे इसको सेम रखना था, इसको चेंज करना था, तो कॉस 48 को हम क्या लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री यूज करके, साइन 90 माइनस 48 लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, और ये सेम रहेगा, एक सेम रखना है, सिर्फ एक को चेंज करना, तो ये साइन ही रहेगा, 90 माइनस 48 कितना होता है 42, यहाँ क्या है 42, सब डिग्रीज में वो लिखना जरूरी है, तो 42 साइन 42 माइनस साइन 42 क्या हुआ 0, क्योंकि 1 माइनस 1 0 होता है, कोई भी सेम नंबर एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो तो आंसर 0 होता है, समझ में आया आपको? ओके वन मोर एग्जांपल लेट अस टेक, ओके सो ये रहा हमारा थर्ड एग्जांपल, ओके क्या क्वेश्चन दिया है कि इफ टैन ए इज इक्वल टू कॉट बी प्रूव दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो यहाँ भी जब भी ये 90 डिग्री दिखे या स्टैंडर्ड एंगल्स और स्पेसिफिक एंगल्स को छोड़ के कोई भी एंगल दिखे तो आप समझ जाना कि कॉम्प्लीमेंट्री रूल अप्लाई करना है, ओके तो इसको देखिए टैन ए इज इक्वल टू कॉट बी, हम क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं किसी एक को, चलिए इसको सेम रखते हैं टैन ए ओनली, और इस कॉट बी को क्या लिख सकते हैं टैन 90 माइनस बी लिख सकते हैं, यस डिग्री है, सो दोनों तरफ क्या है टैन, सो टैन एंड टैन विल गेट कैंसिल, यहाँ बचा क्या ए इज इक्वल टू 90 माइनस बी, बी माइनस इधर आएगा लेफ्ट में तो क्या हो जाएगा प्लस बी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो इज दिस नॉट इक्वल टू दिस वन, दैट्स ऑल इजी है, कोई भी इसमें ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, बेसिक समझ गए कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ओके अब आते हैं हमारे आज की दूसरी टॉपिक पे, तो दूसरा टॉपिक क्या था हमारा, यस दूसरा टॉपिक था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो जिस तरह हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़े हैं पहले ही, जैसे कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, राइट, और एल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो जिस तरह अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं ताकि हम कोई भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकें अलजेब्रा का, उसी तरह हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, तीन हैं मोस्टली, जस्ट तीन, पहला है साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू वन, अब यहाँ टीटा कुछ भी हो सकता है, टीटा मींस एंगल बिटवीन टू लाइंस, ओके अब यहाँ मैं टीटा के बदले ए लिखूँ बी लिखूँ सी लिखूँ जेड लिखूँ या कुछ भी लिखूँ यार, वो समझ लो इट रिप्रेजेंट एनी एंगल, ओके तो ये पहला है, दूसरा मैं चलिए यहाँ लिखता हूँ क्यों आगे बताऊँगा, वन प्लस टैन स्क्वेयर टीटा इज इक्वल टू ये प्लस है सीक स्क्वेयर टीटा, ये है हमारा दूसरा, और तीसरा है हमारा वन प्लस कॉट स्क्वेयर टीटा इज इक्वल टू कोसीक स्क्वेयर टीटा, ओके अब मैंने ये अलग अलग क्यों लिखा है अभी बताता हूँ, देखिए ये बेसिक तो ये तीन ही हैं हमारे, बट इनको हम इंटरचेंज करके और भी डिफरेंट बना सकते हैं, इसको सिर्फ LHS में रखो तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वेयर टीटा इज इक्वल टू, ये अगर RHS में गया तो क्या बन जाएगा ये वन माइनस कॉस स्क्वेयर टीटा, तो ये भी एक तरह का फॉर्मूला हो गया, कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया रहेगा तो अब समझ लो ये लिखना है अज्यूम करना है, दूसरा अगर ये LHS में रहता है सो कॉस स्क्वेयर टीटा को क्या लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वेयर टीटा, तो देखिए एक ही फॉर्मूला से ये दो फॉर्मूला नए आ गए, वो जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे इसके ऊपर तब और अच्छे से समझ में आएगा इसको अप्लाई कैसे करना है, ओके तो ये दो इस फॉर्मूला से निकले हैं आइडेंटिटी से, अब इसको देखिए इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज टैन स्क्वेयर टीटा इज इक्वल टू वन को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा सीक स्क्वेयर टीटा माइनस वन, चाहे वन को इधर ही रखो तो ये हो जाएगा सीक स्क्वेयर टीटा माइनस टैन स्क्वेयर टीटा, है कि नहीं ऐसा भी लिख सकते हैं, सिमिलरली ये वन इधर ही रखो तो ये क्या हो जाएगा कोसीक स्क्वेयर टीटा, ये जा रहा है राइट में तो हो जाएगा ये कॉट स्क्वेयर टीटा माइनस, अब कॉट खाली इधर रहता तो क्या होता कोसीक स्क्वेयर टीटा ये वन उधर जाएगा तो माइनस वन,
तो टोटली 339 हो गए, राइट। बट आपको मेनली ये तीन ही याद रखने हैं, ओके। सो चलिए एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं उनके वक्त, मतलब वो वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, तब हम ज़्यादा सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल एक ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये फोर्थ है हमारे इस वीडियो का, 1 plus tan square a divided by 1 plus cot square a। इसका समझ लो क्वेश्चन दिया हो, बोला हो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो आप क्या कर सकते हो। अभी देखिए, अभी मैंने बताया ये कौन से आइडेंटिटी से बिलोंग करता है, 1 plus tan square theta क्या होता है, sec square टीटा, यहाँ पे टीटा के बदले a दिया है तो a लिखेंगे। उसी तरह 1 plus cot square क्या होता है, इट इज cosec square a। तो यहाँ भी sec square है, यहाँ cosec square है, तो कैन वी राइट दिस एज sec a by cosec a होल स्क्वेयर, क्योंकि दोनों स्क्वेयर है। तो हम देखो x square by y square, तो हम इसको x by y square लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो sec by cosec, cosec क्या होता है, ये होता है हमारा sec by cosec इज इक्वल टू cot होता है ये, राइट। हाँ cot a, और ये स्क्वेयर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। अब कुछ लोग पूछेंगे कि sec by cosec cot कैसे होता है, तो देखो भाई sec a को हम लिख सकते हैं, ये पहली वीडियो में मैंने सेकेंड वीडियो में एक्सप्लेन किया था, क्या लिख सकते हैं, cos a। और उसी तरह cosec a को हम लिख सकते हैं 1 by sin a। तो अगर इनको मैं रिप्लेस करता, यहाँ पे लिखता हूँ इसके बदले, तो sec a के बदले क्या लिखता मैं, 1 by cos a लिखता। उसी तरह cosec a के बदले क्या लिखता मैं, 1 by sin a लिखता, राइट। तो ये जब न्यूमरेटर में आता, ये अलग है ये अलग है, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, 1 by cos a। ये जब न्यूमरेटर में आता तो क्या हो जाता, sin a by 1। तो sin a by 1 sin by cos क्या होता है, tan a, और यहाँ पर सिंस स्क्वेयर था तो यहाँ पे आंसर होगा tan square a, ओके। यस इट इज tan square a, सॉरी यहाँ पे मैंने cot लिखा था, दैट इज रॉन्ग, इट इज tan square a, ओके। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू, ये सब प्रूफ में आते हैं, ओके, फॉर 2 to 3 marks, या डायरेक्ट MCQ में दे देगा 1 marks के लिए, ऑप्शन लेकिन दिया रहेगा, tan, cot, 1 वगैरह वगैरह, ओके। सो चलिए ये हमारा लास्ट पार्ट है, मींस बेसिक से जो मैं एक्सप्लेन किया हूँ उससे रिलेटेड। आने वाली वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर पूरा ये लगभग 1 घंटा या उससे कम कोशिश करूँगा कि थोड़ा छोटा हो। छोटा इसलिए नहीं हो सकता देखिए, क्योंकि मैं उसमें एक्सप्लेन करता हूँ, मैं अपने से बनाते जाऊँ तो जल्दी 10-20 मिनट में ख़त्म कर दूँ, बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करता हूँ जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लगता है, ओके। सो कोई बात नहीं, सीखने में आप टाइम लगाओगे तो अच्छी आदत है, वो उससे कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। तो चलिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, मिलेंगे हम अगले वीडियो में, उसके लिए प्लीज़ रेडी हो जाइए, बट प्रैक्टिस ज़रूरी है। रेडी कैसे होंगे, प्रैक्टिस से ही, ओके। इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, कितना भी वीडियो इंस्पिरेशनल वीडियो देख लो बट प्रैक्टिस नहीं है तो ये सब मुश्किल है सीखना, ओके। सो सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ गुड डे।